जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेरठ के लाल मेजर केतन शर्मा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान शहीद मेजर की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर किसी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम सलामी दी। इस दौरान पूरा शहर मेजर केतन शर्मा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वहीं शहीद मेजर केतन शर्मा को सेना के जवानों द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद नम आंखों के बीच सूरज कुंड पर शहीद मेजर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में भीड़ ने शहीद की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया और उन्हें अंतिम विदाई दी। के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से आतंकवादियों के आका बौखलाए हुए हैं, बौखला करके इस प्रकार की कायराना हमले कर रहे हैं। आज पूरा देश अपने जाबांज लाड़ले को, बहादुर लाड़ले को, मेजर केतन शर्मा को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दौरान मंत्री सुरेश राणा, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के साथ डीएम, एसएसपी, एडीएम सहित सात सेना के जवान और बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।